अभी हाल ही में जो 12 जून 2018 को जो मेरा असिस्टेंट का इंटरव्यू शुरू हुआ है, उस इंटरव्यू में पूछा गया कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ। हालांकि इंटरव्यू देने से पहले आप लोग एक चीज़ ये बात ज़रूर जान लीजिए कि इंटरव्यू में मेन थिंग क्या होती है, इसे आप अपने अच्छे से प्रोफेशनल ड्रेस में जाएं, अच्छे से पूछ कर जाएं, ये सब तो होता ही है, और लेकिन कुछ बातें जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है वो आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी होती है। जैसे कुछ बातें ये हैं कि आपको आपने किस वर्ष 2010 मतलब कि हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिया है, या फिर इंटर का एग्ज़ाम किस वर्ष दिया है, या हाई स्कूल का रोल नंबर क्या है, बीए किस वर्ष में किया है, बीए कौन कौन सब्जेक्ट से किए हैं, ये सब जनरली जो क्वेश्चन है वो आपको खुद याद करने पड़ेंगे। और ये सब चीज़ ज़्यादातर है कि पूछा जाता है इंटरव्यू में, जो एक दो क्वेश्चन हमेशा इससे मिल ही जाता है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या 12 जून 2018 को जो पहला इंटरव्यू हुआ था उसके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। जैसे स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, पहला क्वेश्चन है स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पूछा गया है, और दूसरा क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड क्या होता है, ऑपरेशन फ्लड क्या होता है, तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है। यहाँ पर मतलब कि हर सारे सब्जेक्ट से हाई स्कूल इंटर और ग्रेजुएशन अगर किया है तो ग्रेजुएशन से भी पूछा गया है एक क्वेश्चन, और वैसे जो जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा आप लोगों ने मतलब कि जिस सब्जेक्ट से किया है उस सब्जेक्ट से क्वेश्चन उठाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्वर संख्या क्या होती है, मैथ से भी देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन जो हुआ है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग कितना होता है, आगे देखते हैं क्वेश्चन है वायुमंडल में कितनी गैसें पाई जाती है। ये जियोग्राफी का क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी गैस पाई जाती है, ये एग्जाम में पूछा जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वैसे कार्बन की संयोजकता ये देखिए केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साइन कॉस प्लस कॉस का मान बताइए, ये मैथ से आपका सवाल पूछ लिया गया है। अगला देखिए क्वेश्चन जो है वो असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ, असहयोग आंदोलन हमारे देखिए ये इतिहास से पूछ लिया गया है, प्राचीन इतिहास से, तो प्राचीन इतिहास से भी मतलब कि जनरली जो नॉलेज है जीके जीएस वगैरह करंट अफेयर्स वगैरह ये सब आपको अच्छे तरह से याद करनी होंगे, क्योंकि इस समय इंटरव्यू में यही सब पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश में जल्द ही कौन सी नई स्कीम लॉन्च की गई है, ये देखिए उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स है, कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ही कौन सी नई स्कीम लॉन्च की गई है उसके बारे में यहाँ पर दिखाया गया है, बताना है आपको। तो इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं हम तुलसीदास के बारे में क्या जानते हैं, अगर आप बीए हिंदी में से किए हैं तो वहाँ पर आपको तुलसीदास के बारे में बारे में पूछ दे रहे हैं, कोई भी लेखक के बारे में पूछ सकते हैं, कोई भी रचयिता के बारे में पूछा जा सकता है, उनके जीवन परिचय पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन रबी की फसल बताइए, रबी की कौन कौन सी फसलें होते हैं, ये सिर्फ रबी की ही नहीं यहाँ पर खरीफ की फसल अब जोड़ लीजिए, खरीफ की जायद की फसल ये सब फसलें भी पूछी जा सकती हैं। हालांकि ये सब जो क्वेश्चन है ये 12 जून को जो पूछा गया था उसमें का ये सब क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, ये भी देखिए हिंदी से पूछ लिया गया है कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है श्लेष अलंकार का उदाहरण बताइए, श्लेष अलंकार किसे कहते हैं, श्लेष अलंकार का उदाहरण बताइए, ये आपको पता करना हो बताना होगा उनके सामने कि श्लेष अलंकार किसे कहते हैं। अगला देखिए हिंदी से ही अगला भी क्वेश्चन पूछा गया है, गाय का पर्यायवाची शब्द क्या होता है वो बताइए। अगला क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश की गंगा नदी कितने जिलों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश की गंगा नदी कितने जिलों से होकर गुजरती है, ये आपको उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में भी जानना होगा कि कौन कौन सी नदी हैं, कहाँ कहाँ से होकर बहती हैं, कहाँ से होकर गुजरती हैं,
उद्गम स्थान कहाँ पर है, कहाँ पर जाकर ये मिल जाती है अंत में, ये सब नदियों के बारे में भी आपको जानकारी रखनी चाहिए, राजनीति शास्त्र के बारे में भी जानना चाहिए। देखिए, क्योंकि अगला हमारा जो प्रश्न है मौलिक अधिकार के बारे में बताइए, मौलिक अधिकार क्या क्या होते हैं, ये कहाँ से लिए गए हैं, ये आपको जानना जरूरी है। अगला देखिए, जो बायोलॉजी इससे भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछ दिया गया है, वो क्वेश्चन है बायोलॉजी का, रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी के कारण कमी होने पर नहीं बनता है, मतलब रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी होने पर नहीं बनता है, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछा गया। ट्रिपल सी का फुल फॉर्म पूछा गया है, आप लोग ट्रिपल सी किए हुए हैं तो ट्रिपल सी का रोल नंबर भी याद कर लीजिएगा, कि ट्रिपल क्योंकि रोल नंबर सब नहीं याद किए रहेंगे। और इसमें साथ ही एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रिपल सी का कोर्स कितने दिन का होता है, कितने महीने का कोर्स होता है ये, और कितने घंटे का होता है कोर्स, ये सब याद करना पड़ेगा। ट्रिपल सी का इंग्लिश में फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, हिंदी में फुल फॉर्म याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो फ्लिंट कांच में कौन सा तत्व पाया जाता है, ये फिजिक्स से क्वेश्चन पूछ दिया गया है। अगला क्वेश्चन, रेल लाइन कितने प्रकार के होते हैं, जो रेलवे लाइन होती है वो कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको बताना होगा। इसमें आसमान का रंग नीला क्यों होता है, आसमान का रंग नीला क्यों होता है, ये भी देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये सब पूछा जाता है। जनरली फिजिक्स का क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है, ये सब पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो ये इसमें हालांकि पूछा नहीं गया, प्रथम युद्ध या द्वितीय युद्ध या तृतीय युद्ध, वो आप तीनों युद्ध याद कर लीजिएगा। पानीपत का युद्ध किसके बीच में हुआ था, मतलब यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, जो भी चीज़ है, जितने भी सब्जेक्ट हैं, वो सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया। मापन क्या होता है, ये देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन पूछ दिया गया, मापन क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से मापन होते हैं, ये सब याद करना। ये देखिए अगला क्वेश्चन जो है, उत्तर प्रदेश में महोबा किस मंडल में पड़ता है, महोबा का मंडल बताना है कि महोबा किस मंडल में पड़ता है। महोबा जानते हैं कि एक जिला है, ये किस मंडल में पड़ता है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और इसमें हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो यूपी से रिलेटेड है। हाँ, हालांकि आपको यूपी से के बारे में जानना जरूरी है कि यूपी में क्या हो रहा है, कौन कौन से योजनाएं चल रही, ये सब योजनाएं के बारे में हालांकि पूछा नहीं गया है, लेकिन आगे आने वाले इंटरव्यू के डेट में योजनाओं के बारे में भी पूछा जा सकता है बहुत सारा चीज। और फिजिक्स के साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब तो पढ़ना ही है, और इसके अलावा मैथ के भी दो तीन क्वेश्चन कम से कम पूछ ही दिए जा रहे हैं। तो मैथ के क्वेश्चन हार्ड नहीं पूछे जा रहे हैं, लेकिन सिंपल ही पूछे जा रहे हैं, लेकिन कम से कम दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो इसके बारे में आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि आप अच्छे से इंटरव्यू दे पाएँ। और इसका सॉल्यूशन जो है वो मैंने इस वीडियो में, हालांकि इतने समय की कमी होने के कारण इसका सॉल्यूशन मैं नहीं दे पा रहा हूँ इस वीडियो में, लेकिन मैं अगले वीडियो जो डालूंगा उसमें इसका सॉल्यूशन भी, मैं अगले वीडियो का इंटरव्यू का जो वीडियो रहेगा उसमें सॉल्यूशन के साथ साथ रहेगा, और साथ में पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया करूँगा, ताकि ये जो भी सब्सक्राइबर्स हैं वो उन लोगों को तकलीफ ना हो और मैं किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो। और अगर जो भी छात्र या फ्रेंड्स जो भी हैं और ये वीडियो पहली बार अगर देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर लेंगे तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि हमारे जो भी नए वीडियो रहेंगे, आगे जो भी मैं वीडियो डालूंगा इंटरव्यू से रिलेटेड या फिर जो भी वीडियो रहेंगे मेरी पढ़ाई से रिलेटेड, वो सब आप तक आसानी से पहुँच जाएंगे। और इस चैनल के बारे में आप अपने दोस्तों को भी बताएं और लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, जहाँ पर कुछ कमियाँ रह गई हों उसे कमेंट करके भी बता सकते हैं। और इसके आगे का मैं अगला जो 13 तारीख का इंटरव्यू है उसे मैं कुछ ही देर में या 1-2 घंटे, 4 घंटे जो भी है समय,
मैं अपलोड कर दूंगा उसके वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।